Good morning, students. Welcome to online class RPS. Student, today we will discuss about lesson 10, sweet mangoes, question number Z or H. आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स या वीडियो क्लास स्टैंडर्ड 3 के लिए है और सब्जेक्ट इंग्लिश है. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी और ई एफ एफ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे जी और एच. चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. जी एन कंप्लीट दिस वर्ड्स विथ डबल ई और ई ए. इस वर्ड्स को वर्ड्स नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जो वर्ड्स दिया गया है उस वर्ड्स को डबल ई और ई ए से कंप्लीट करना है. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सिर्फ आपको क्या फिल करना है, डबल ई और ई ए. जैसे देखिए यहाँ पे एस एच तो यहाँ होगा डबल ई टी सी. सी मीन्स जहाज. एस एच डबल ई टी सी हो गया. उसी तरह से यहाँ ब्रेकिंग होगा बी आर ई ए. ओके स्टूडेंट्स, तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग डबल ई या ई ए से लेटर से को ही फिल कर रहे हैं. इसी लेटर को फिल करने से यह वर्ड्स कंप्लीट होगा. ओके, नेक्स्ट देखिए फिल में स्पीक हो जाएगा एस पी ई ए. यहाँ पे फिल होगा ई ए एस पी. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है लिफ, एल ई ए एफ लिफ. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कीपिंग, के डबल ई टी आई एन जी कीपिंग हो जाएगा. सभी में देखिए डबल ई या ई ए, जो सुटेबल लेटर फिल होगा जिससे वर्ड का मीनिंग मिलेगा तो वही फिल करें, वही फिल करें. चलिए नेक्स्ट पीप, पी डबल ई पी पीप, पीप मींस छात्र. नेक्स्ट है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सर में टीचर, टी ई ए सी एच ई आर टीचर. नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा बीट, B E A D bit. और लास्ट 9 होगा bit, N E A T bit. ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया. स्टूडेंट्स, आई विल रिपीट अगेन. वन मेन से एस एस डबल ई की से डबल ई, आपको सिर्फ डबल ई या ई ए आपको फिल करना है और उसी से वर्ड्स को कंप्लीट करना है. यहां स्पीक होगा, फोर्थ में लीव, फिफ्थ में कीपिंग, सिक्स में पीप, सेवन में टीचर, एट में पीप, नाइन में डिट. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच. एच को देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में स्टूडेंट राइट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ जो वर्ड्स दिया गया है उसे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज किया था. सेम वही है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिया गया है इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करना है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स जैसे अल्फाबेट में फर्स्ट कम्स ए लेटर, पहले ए लेटर आता है, आफ्टर दैन बी लेटर, नेक्स्ट आफ्टर दैन सी लेटर, तो ये इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. चलिए इसको समझते हैं. यहाँ देखिए, यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं सभी का यहाँ सी आर, देखिए सी आर सी आर सी आर सी आर, सभी में सेम लेटर है. सभी वर्ड्स में फर्स्ट और सेकेंड लेटर सेम है. तो स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट और सेकेंड लेटर सेम है, तो आपको थर्ड लेटर को देखें. जब लेटर सेम हो तो उसके नेक्स्ट लेटर को देखा जाता है. तो नेक्स्ट लेटर है इसका यू, इसका ए, इस वर्ड्स का आई, इसमें ओ और इसमें ई. अब इसके अकॉर्डिंग आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. चलिए, इसमें आपको यह देखना होगा कि सबसे पहले इसमें कौन सा लेटर आता है. तो इस सभी में ए लेटर फर्स्ट में आता है.
तो आपका क्रैश फर्स्ट में आएगा, क्रैश वर्ड फर्स्ट में आएगा। नेक्स्ट ए के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है ई, तो ई से यहाँ क्रीम वर्ड है और नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा क्रीम। चलिए नेक्स्ट वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई, ई के बाद इसमें सर्च कीजिए कौन सा लेटर आता है, तो ई के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है आई, तो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा क्रिप्स। आई, आई के बाद आपको देखना है कौन सा लेटर आता है, तो आई के बाद यहाँ ओ आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा क्रो, और लास्ट वर्ड आपका होगा क्रूएल, क्रूएल। क्योंकि यू अल्फाबेट ऑर्डर में सबसे लास्ट में आता है, इसलिए क्रूएल सबसे लास्ट वर्ड होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से अरेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे सभी वर्ड्स का फर्स्ट और सेकेंड लेटर सेम है, जैसे आर ए, इसमें भी आर ए, इसमें भी आर ए, आर ए, आर ए, आर ए, सभी यहाँ देखिए सभी वर्ड्स में जितने भी वर्ड्स हैं सभी में फर्स्ट और सेकेंड लेटर सेम हो। तो स्टूडेंट हम क्या बताएं, जब फर्स्ट और सेकेंड लेटर सेम हो तो नेक्स्ट लेटर को देखना चाहिए। नेक्स्ट लेटर आपका इसमें एस, इसमें सी, इसमें वाई और इसमें बी है और इसमें आई। अब इस लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए इसमें आपको देखना होगा कि फर्स्ट में कौन सा लेटर आता है, तो फर्स्ट में इसमें आएगा आपका बी, क्योंकि अल्फाबेट में पहले फर्स्ट में बी आता है, तो रैबिट वर्ड फर्स्ट में आएगा, रैबिट फर्स्ट में हो गया। नेक्स्ट बी के बाद कौन सा लेटर आता है अल्फाबेट में, तो बी के बाद आता है सी, तो सी से यहाँ एस, नेक्स्ट वर्ड होगा सी, सी को राइट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए एस के बाद सी के बाद, सी के बाद आता है इसमें आई, तो आई से वर्ड रेन, नेक्स्ट वर्ड होगा रेन, रेन के बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए रेन के बाद इसमें नेक्स्ट वर्ड होगा एस, एस से रस, रस, तो यहां पे हो जाएगा रश। नेक्स्ट वर्ड लास्ट जैसे वाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट में आता वाई लेटर, तो वाई से यहाँ इसमें वर्ड क्या हुआ है रे, तो रे इज द लास्ट वर्ड। इस तरह से आप किसी भी वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड ग्रामर। इस टॉपिक में हम लोग ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रामर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजक्शन। कंजक्शन का वर्क होता है सेंटेंस को ज्वाइन करना, वर्ड्स को ज्वाइन करना, जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे कंजक्शन आर वर्ड्स सच एज एंड, बट और बिकॉज एंड शो। यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है एंड, बट, बिकॉज और शो, ये वर्ड कंजक्शन है और इनका वर्क है सेंटेंस को या वर्ड को ज्वाइन करना, जोड़ना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से तुम समझे, नेहरू जी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोज। नेहरू जी को आम बहुत पसंद था, सो इसलिए राम प्राउड मैंगोज फॉर हिम एवरी डे, इसलिए राम प्रतिदिन नेहरू जी के लिए मैंगो लाया करता था। तो यहाँ पे देखिए सो, सो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। सो, सो वर्ड दो सेंटेंस को, जैसे नेहरू जी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोज, फर्स्ट सेंटेंस हो गया, सेकंड सेंटेंस राम प्राउड मैंगोज फॉर हिम एवरी डे, तो दो सेंटेंस को यहाँ ज्वाइन कर रहा है सो, तो सो एज ए कंजक्शन के रूप में वर्क कर रहा है, तो सो कंजक्शन वर्क। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, समझिए राम इज स्ट्रांग एंड ए बॉय। देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स को
एंड द एंड टू वर्ड है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। किला मजबूत और बहादुर लड़का है, ठीक है। तो एंड यहाँ पे कंजक्शन है और दो वर्ड को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंजक्शन का वर्ड होता है सेंटेंस को वर्ड्स को ज्वाइन करना, जोड़ना, जैसे आपने एग्जांपल्स के थ्रू समझा। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तब आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कंजक्शन। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।